ट ठ ड ढ और ण। अब पढ़ेंगे त ठ ड ढ और ण। तो त के लिए इंग्लिश वर्ड यूज किया है डी ए त। ठ के लिए करेंगे टी एच ए। द के लिए इंग्लिश वर्ड डी ए। ठ के लिए डी एच ए और न के लिए एल ए। त पी ए थ पी एच ए द पी ए ध पी एच ए न के लिए एल ए। यही शब्द त से बनने वाले शब्द थे त से तकिया, त से तरबूज और त से तना। त से तकिया, त से तरबूज, त से तना। और त को लिखेंगे हम इस तरह से। इसे भी हमें अपनी नोटबुक के पूरा एक वन पेज लेना है, उसमें लाइन भेज के बना अलग अलग आपको बॉक्स बनाने है, उसमें लिखना है त से तकिया। और इस तरह से आपको त लिखना है त से तकिया, त से तना या त से तरबूज। त ये हुआ त। त त का उच्चारण स्थान है दंत। जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे आवाज जो है वो दांतों से निकलती है। त त का उच्चारण स्थान दंत है। फिर आता है थ टी एच ए थ से बनने वाले शब्द थर्मस, थ से थर्म, थ से थर्मामीटर। थ थ से थर्मस, थ से थर्म, थ से थर्मामीटर। और इस तरह से हम लिखेंगे थ। इस तरह से ओवरराइट करेंगे थ। इस तरह से थ थ से थर्मस, थ से थर्म, थ से थर्मामीटर। इस तरह से हम ओवरराइट करेंगे थ। थ का उच्चारण स्थान भी है दंत। थ जो जब हम बोलते हैं तो वहां पर भी हम दांतों से ही ये थ की आवाज निकलती है। तो द का उच्चारण स्थान दंत, थ का उच्चारण स्थान भी दंत। फिर उसके बाद आता है द। द के लिए भी शब्द है डी ए। द से बनने वाले शब्द द से दवा, द से दरवाजा, द से दवाई। द से दवा, द से दरवाजा, द से दवाई। और द को हम इस तरह से लिखेंगे। आपको ये सारे लेटर आपकी नोटबुक के वन वन पेज पर पूरा लाइन हो करके बॉक्स बना रहे उसमें लिखने के द। द से दवाई, द द से दवाई। इस तरह से आपको लिखना है द शब्द, द व्यंजन। और द व्यंजन का उच्चारण स्थान भी दंत है। तो त थ द का उच्चारण स्थान दंत। इसके बाद आता है ध। ध के लिए इंग्लिश वर्ड है डी एच ए। ध से बनने वाला शब्द है धन, ध से धरती, ध से धनुष। ध से धन, ध से धरती और ध से धनुष। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे ध ध ध ध ध। इसका उच्चारण स्थान भी दंत है। तो ये चार लेटर, चार वर्ण जो है, चार व्यंजन त थ द ध, इनका उच्चारण स्थान दंत है। फिर आता है न। न के लिए इंग्लिश वर्ड है एन ए। न से बजने वाले शब्द न से नल, न से नदी, न से नगर। न से नल, न से नदी और न से नगर। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे न। न से नल, न से नदी, न से नगर, न न न। इस तरह से हम लिखेंगे न। और न का उच्चारण स्थान नासिका है। न से न शब्द जब हम बोलते हैं तो वो व्यंजन हमारी नाक से निकलता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है नासिका। तो चार व्यंजन व्यंजन द थ द और ध, इनका उच्चारण स्थान दंत है। और न का उच्चारण स्थान नासिका। त से बनने वाले शब्द तकिया, त से तकिया, त से तरबूज, त से तना। थ से बनने वाले शब्द थ से थर्मस, थ से थर्म, थ से थर्मामीटर। द द से बनने वाले शब्द द से दवार, द से दरवाजा और द से दवाई। ध ध से बनने वाले शब्द ध से धन, ध
ध से धरती, ध से धनुष, न नर से बनने वाले शब्द न से नल, न से नदी और न से नगर। इसी तरह ये हुआ, देखो क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न। चित्र पहचान और उनके नाम के अक्षर पर गोला, त थ और न। तो ये क्या बना हुआ है, आपको पिक्चर देखना है, ये क्या बना हुआ है, तकिया। तो शब्द शुरू होता है त से, इसने ट पर गोल किया है। फिर ये शब्द, ये पिक्चर है थर्मस का और शब्द लिखिए त थ द। तो थ शब्द से शुरू होता है थर्मस, तो थ पर गोल। फिर ये क्या है, दरवाजा दिख रहा पिक्चर दरवाजे का, तो त थ और द, द शब्द से शुरू होता है इसलिए द से दरवाजा। फिर पिक्चर को देखिए, शब्दों को मिलान करना, ये क्या है का पिक्चर है नल का, तो इसको मिलान करेंगे न से। ये पिक्चर है थर्मस का, इसे इसका मिलान करेंगे थ से। ये पिक्चर है धनुष का, इसे इसका मिलान ध से। ये पिक्चर है तकिए का, इसे इसका मिलान करेंगे त से। जैसे इसमें शब्द जोड़ के लिखने के लिए बताया गया, पढ़ो और बोलो। ख ख के साथ ग को जोड़ा तो शब्द बना ख ग, थ ख के साथ न को जोड़ा तो शब्द बना थर। इस तरह से कोई भी शब्द दो शब्दों को जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बनता है। दो शब्दों को जोड़ देने से एक नया शब्द बनता है। जैसे मिलान कीजिए, ट ड पढ़े हैं, ये व्यंजन इतने पढ़े। थैंक यू।